श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश और आप सभी को आदेश आदेश जब तंत्र सीखते हैं तो गुरु हमें गुरु मंत्र देता है एक सुरक्षा मंत्र देता है शरीर बंधन मंत्र देता है लेकिन जो गुरु के सानिध्य में नहीं है जो गृहस्थ हैं वो बहुत सारे तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते जैसे हम लोग अगर हमें अपना बंधन करना हो तो बहुत ही आराम से हम एक बार पढ़ते हैं देबंधो मन बंधो पीड़ा बंधन सार सोलो सती डाकिनी जोगिनी बंधो दिए लोहार गलाय हार ए घर भेगे जे जो ना महादेव त्रिशूल भेगे गए तार बुकेलाक तार भूकेलाक तार बुकेलाक ये पढ़ के तीन बार शरीर फूक दिया और निश्चिंत हो गया ऐसे भी जब हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा सुरक्षा ऑटोमेटिक हो जाता है लेकिन जैसे कि पहले के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एक मंत्र दूंगा जो गृहस्थों के लिए है मतलब आप अगर अपने घर में अलग पूजा करते हैं तो आप फिर भी इस मंत्र का प्रयोग उस स्थान पर कर सकते हैं तो ये तांत्रिक मंत्र है संस्कृत में और ये मंत्र सिर्फ आपको बंधन नहीं करता है मतलब ये आपके रक्षा के लिए है आपके ईष्टों के रक्षा के लिए आपके मित्र के रक्षा के लिए है आपके पंच महाभूत के रक्षा के लिए है आपके आप पे अगर किसी तरह का दंड है मतलब किसी तरह का श्राप है कोई ज्वर है आ, किसी भी तरीके का अगर आप पे विपत्ति है तो उन सब को ये रोकने का मंत्र है उसके बाद इस मंत्र की एक खासियत है कि इसके साथ एक टॉपअप आता है अगर आप उसको कर लो तो ये मंत्र और पावरफुल हो जाता है तो सुबह उठे पूजा पर बैठे सात बार इस मंत्र को पढ़ेंगे सात बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पूरे एक दिन तक घूमिए कि भाई साहब अब जो है एक दिन मुझ पर कोई भी तंत्र का प्रयोग नहीं होगा देखिए जितना हम लोग साइंस पढ़ते हैं जितना हम लोग मतलब खुद को नॉलेजेबल समझने लगते हैं पचहत्तर तरह के साइंस फिजिक्स और बायो की किताब पढ़ के हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों को भूलते जा रहे हैं और हमें लगता है ये सब बकवास होता है क्यों लोग आत्मरक्षा करें क्यों मंत्रों से खुद का बंधन करें देखिए अंग्रेज़ों ने ही एक बड़ा अच्छा प्रवर दिया था कि नेसेसिटी इज़ दी मदर ऑफ़ इन्वेंशन मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है इन्वेंशन उसी चीज़ का होता है जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ का इन्वेंशन ही नहीं होता है तो पहले के काल में लोग हमसे ज़्यादा जागरूक थे वो समझते थे कि हमारे आसपास जो एनर्जी है जो आभा मंडल है उसको बचा कर रखना उसके ऊपर किसी भी तंत्र प्रयोग को रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि वो ज़रूरी होता है हेल्दी लिविंग के लिए देखिए आज के डेट में हेल्थ का मतलब हम लोगों को समझा दिया है कि फिज़िकल वेल बीइंग ओनली हेल्थ जबकि ये बिल्कुल ही बिल्कुल ही गलत है तीन वेल well बीइंग होता है एक तो फिज़िकल अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ हैं दूसरा मेंटल अगर आप मेंटल रूप से स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ हैं और स्पिरिचुअल अगर आप स्पिरिचुअली स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ हैं देखिए अगर तीनों रूप में कोई भी आपका एक भी बाधित होता है तो आप भले बॉडी बिल्डर हो जाओ आपके बाईस अठारह से चौबीस इंच के हो जाएं लेकिन आप स्वस्थ नहीं कहलाओगे आप मानसिक रूप से बीमार हो जाओगे आप स्परिचुअली रूप से बीमार हो जाओगे तो अपना क्या काम है कि शरीर को तो स्वस्थ रखना ही है क्योंकि शरीर एक गिफ्ट है भगवान के द्वारा जिसको हम लोगों को बचा के रखना है लेकिन उसी के साथ अपने मानसिक जो हेल्थ है उसको भी बचा के रखना है तो ये मानसिक हेल्थ जो है ये आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम का कारण है मैं बताऊँ पहले तो हम सुनते ही नहीं थे डिप्रेशन के बारे में ना ये आ, साइकेट्रिस्ट के बारे में साइकेट्रिस्ट का मतलब पागलों का डॉक्टर होता था पागल खानों का मतलब होता था एक आगरा एक रांची ऐसा ठीक है लेकिन यूएस में आप जाइए तो यूएस में हर शहर में एक पागलखाना होता है आज वही स्थिति हमारे यहाँ हो गई है सब लोग डिप्रेस डिप्रेशन में रहते हैं क्यों डिप्रेशन में रहते हैं मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि माइंड शरीर के अंदर नहीं बल्कि चारों तरफ का इन्वायरमेंट होता है और वो इन्वायरमेंट जब भी किसी नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में आती है तो दिमाग डिप्रेशन में जाता है ठीक है तो इस डिप्रेशन को रोकिएगा तो आप मेंटली फिट रहिएगा आप मेंटली फ़िट रहिएगा तो आप स्पिरिचुअली हाई रहिएगा तो और को शील्ड करना है आप देखिए बहुत सारे अंग्रेज़ मेटाफिजिकल शील्डिंग करते हैं जिसमें कि वो अपने ब्रेन को न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के साथ आ, ऐसा टेम करते हैं कि आपके चारों तरफ एक सर्कल हो और उससे आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है तो किसी भी तरीके का एनर्जी अटैक आप पे काम नहीं करता है ठीक है इसी में आता है आपका सात चक्र का खेल आपका जो एनर्जी सर्कल के लेयर है उनका खेल ये सब विस्तार में कभी और मैं चर्चा करूँगा अभी मैं गृहस्थों के लिए आ, आ, मंत्र दे रहा हूँ इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुने इसको आ, कहीं लिख लें और आ, लिखने के बाद रोज पूजा जब आप शुरू करते हैं तो पूजा की विधि क्या होती है पहले आप आ, शुद्ध होइए आसन शुद्ध कीजिए उसके बाद खुद का बंधन कर लीजिए ठीक है बंधन करने के बाद ही पूजा शुरू होता है तो मंत्र सुनिए बड़े ध्यान से ओम अंग आत्म रक्षा परमात्म रक्षा मित्र रक्षा अग्नि रक्षा प्रतग्नि रक्षा प्रगति वातो रक्षा तेषां सकल बंधनाय स्वाहा ओम हर देहनी स्वाहा ओम देहिनी स्वाहा ओम स्वसय ब्रह्मदंड ओम विश्रामाय विष्णु डंडमय ओम विश्रामाय विष्णु दंडम ओम ज्वर ज्वरेश्वरी कुमार दंडम ओम हिली मिली माया दंडम ओम नित्यम नित्यम विश्रामाय विश्रामाय वारुनी शूनिनी गारुणी रक्ष स्वाहा देखिए बड़ा सिंपल मंत्र है मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर पढ़कर बताया है तो इस मंत्र को आपको बस सुबह उठ के पूजा करने से पहले सात बार पढ़ लेना है ठीक है आप जैसे इस मंत्र को पढ़ते हो तो कितना भी बड़ा तो तांत्रिक आपके आसपास आ जाए वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता ठीक है क्योंकि आप चारों तरफ से बंधे हुए हो किसी ने श्राप भी दिया है तो वो श्राप भी धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होता है इस मंत्र के प्रभाव से तो बहुत लोगों के परिवार में बोला जाता है कि हमारे परिवार पे बहुत काल से श्राप आ रहा है तो ये जो मंत्र है वो ओम अंगात्मरक्षा परमात्म रक्षा मित्र रक्षा अग्नि रक्षा प्रतज्ञि रक्षा प्रगति वाता सा अरक्षा तेषांत सकल वंदनाय स्वाम हरदेनी स्वामृदेनी स्वाह स सैभ्रम दंड विश्रामाय ओम विश्रामय विष्णु डंडम ओम विश्रामय विष्णु दंडम ओम जो जो रश कुमार दंडम ओम हिली मिली माय दंडम ओम नित्यम नित्यम विश्रामय विश्राम वारुण शूलिकणी रक्षा स्वाहा ये अगर आप सात बार रोज करोगे तो वो धीरे धीरे वो सब भी कटता है मैंने बताया कि इसका एक टॉपअप भी है तो मंत्र को और पावरफुल करने का तरीका होता है हवन देखिए हवन एक ऐसा विधि है जिससे कि डायरेक्ट आप आ, किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं तो ये जब आप आप ये सुरक्षा मंत्र करते हैं तो इसका टॉपअप टॉपअप है इंद्र का हवन हाँ तो आम की लकड़ी ले ले पाँच और थोड़ा सा घी रखें साथ में कॉपर का अगर आपके पास हवन हाँ का कुंड है तो वो और अच्छा होता है कॉपर का अगर आपको हवन हाँ कुंड नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन जा के अग्निहोत्र हवन का सामान खरीद लें उसमें आपको कॉपर का सारा सामान मिलता है अग्निहोत्र हवन आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा तो उसको ले लीजिए उसमें पाँच आम की लकड़ी रखिए और उसके बाद मंत्र है ओम लंग महिंद्राय नम स्वाहा ठीक है ओम लंग महिंद्राय नम स्वाहा इससे आपको सात बार आहूति देनी है मात्र ऐसा करने से ये मंत्र में तुरंत जागृति होती है ठीक है तो ये हुआ आज आत्मरक्षा और श्राव विमोचन मंत्र आ, आने वाले वीडियो में मैं आपको जो बता कर रखा था कि सारी योगनियों की सिद्धि एक एक करके बताऊंगा सॉरी सारी यक्षनियों की सिद्धि मैं एक एक करके आपको बताऊंगा तो वो कार्यक्रम मैं आ, अगली बार शुरू करूंगा आप लोगों को मैं ऐसे मंत्र दे रहा हूं जिससे आप खुद को सुरक्षित रख सकें किसी और का प्रभाव आप पे ना पड़े आप डिप्रेशन के शिकार ना हो क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब तक आप हेल्दी फिजिक्स से और मेंटल स्टेटस से ना हो तब तक आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं घुस सकते इन सब चीज़ों के लिए आप मेरा किताब जो भी आपको आप हैंड बुक फॉर पैरा नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इस पढ़िए बहुत आपको लाभ होगा और अगर आप तो मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे और ऐप आईफोन में भी आपको मिल जाएगा एप्पल स्टोर पे उसको आप डाउनलोड करें उसमें रुद्रनाथ सर्च करें तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं इसके अलावा यूट्यूब चैनल को मेरा सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को देखें आपको बहुत लाभ होगा अभी के लिए आप सभी को अलग का आदेश